ठाणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने फाउंटेन होटल से गायमुख तक की सड़क MBMC को सौंप दी है। यह खबर आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन अब इसी सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं घटने की जानकारी सामने आ रही है। ठाणे घोड़बंदर रोड की खराब हालत के कारण पिछले 3 महीने में इस रोड पर 12 दुर्घटनाएं हो चुकी है। इन 12 हादसों में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। घोड़बंदर रोड परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रोड पर मुंबई, वसई, विरार, भायंदर इलाकों से बड़ी संख्या में वाहन आते जाते रहते हैं। यह हादसे खास तौर से घोड़बंदर रोड पर गायमुख घाट के खराब सड़क के कारण हो रहे हैं। बरसात के दौरान बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा 700 मीटर लंबी इस सड़क की मरम्मत की गई थी, लेकिन सड़क की मरम्मत ठीक से न होने के कारण सड़क पर फिर से गड्ढे दिखने लगे हैं। इसलिए अगर सड़क का काम पूरा हो जाने के बाद भी सड़क की हालत इतनी खराब हो रही है तो इस सड़क पर यात्रा कैसे की जाए, ये सवाल अब आम जनता के सामने खड़ा हो रहा है। फाउंटेन होटल से गायमुख तक की 30 मीटर चौड़ी सड़क को 60 मीटर तक चौड़ा करने की मांग की गई थी। इसे हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद यह सड़क अब सार्वजनिक बांधकाम विभाग से MBMC को हस्तांतरित की गई है। इसलिए MBMC सड़क के चौड़ीकरण का काम हाथ में ले रही है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को बारीकी से देखा जाए तो वाकई में इस नई सड़क से नागरिकों को कोई फायदा होने वाला है क्या, ये सवाल अब उपस्थित हो रहा है। मीरा भाईंदर क्षेत्र में अब तक MBMC द्वारा बनाई गई सड़कें हो या घोड़बंदर और मीरा भाईंदर के बीच सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा मरम्मत की गई सड़कें हो, दोनों द्वारा बनाई गई सड़कों की हालत अब एक जैसी हो गई है। तो क्या भविष्य में सड़कों की हालत कुछ सुधरेगी? क्या खराब सड़कों की वजह से होने वाले हादसे कम होने वाले हैं, या फिर प्रशासन इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने वाली है, ये देखना अब अहम होगा। खराब सड़कों की वजह से बढ़ रही इन हादसों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे MB लाइव से।